है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की इस नई इमारत को देखकर शायद ये अंदाजा न हो कि यह कॉलेज दिल्ली का सबसे करीम कॉलेज है, जहां के लड़के लड़कियों ने अपने आप को जदीद तालीम से आरास्ता किया था और आज भी यह काम यहां जारी है। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका आपके अपने प्रोग्राम इल्म की बुनियाद में। आज की किस्त में हम हिंदुस्तान के एक और इदारे के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आम तौर पर ऐसा ख्याल किया जाता है कि अकलियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तालीम का सबसे बड़ा इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली कॉलेज, जिसे आज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज कहा जाता है, इससे कदीम है, जहाँ जदीद उलूम की तालीम पर तवज्जो दी गई। ये 320 साल पुराना तालीमी इदारा है, जो आज भी पुरानी दिल्ली के अकलियती तबके की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत एक नई और वसीओ अरीज़ इमारत में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी के असातजा, ख़ास तौर पर मास्टर रामचंद्र, ने अंग्रेज़ी से साइंस और हिसाब की किताबें उर्दू में तर्जुमा की। आइए इस किस्त में हम इसी कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल करें। हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी जी ने 19 जुलाई 1983 में इस नई इमारत का संग बुनियाद रखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब और शाहजहां की दिल्ली के 7 दरवाजों से एक दरवाजे अजमेरी दरवाजे के बिल्कुल सामने गाजीउद्दीन खां का मदरसा है। नहायत शानदार और अजीम इमारत में कदीम दिल्ली कॉलेज वाक़ था। इसी इमारत में एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज भी कायम है। कॉलेज की नई इमारत तामीर होने से पहले इस इमारत के अहाते में दिल्ली के हजारों लड़के लड़कियों ने यहाँ तालीम पाई थी, जो आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी अपनी इल्मी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सोलह सौ बयानवे ईस्वी में गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग का ये मदरसा जो था, ये कायम किया गया। इसको जो कायम किया वो
औरंगज़ेब एम्परर जो थे, मुग़ल एम्परर, उनके एक नोबल थे जिनका नाम था गज़ीउद्दीन ख़ान फिरोज़ जंग, जो कि एक दक्कनी थे, जो कि आज का हैदराबाद था, वहाँ के शहरी थे और उन्होंने इसको कायम किया था। गज़ीउद्दीन ख़ान फिरोज़ जंग थे जो कि इस स्कूल के फाउंडर थे, वो असल में निज़ाम हैदराबाद के फादर थे। इसकी जो शुमार होता है वो दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस और बेहतरीन स्कूलों के अंदर शुमार होता है और ये एक इंटरनेशनल बैनुल अक्वामी सतह पे इसको एक दर्जी जो है वो दी गई है। इसके बाद फिर बदलते हुए ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी के असरात जब बढ़े और उसने मदरसा एजुकेशन को जदीद तालीम के लिए इस्तेमाल करने के लिए ग्रांट बढ़ाई, तो यहाँ पर दूसरा एक हिस्सा शुरू हुआ जो जदीद तालीम से मुताल्लिक था। 1824 में इसे सरकार ने दिल्ली कॉलेज का नाम दिया। 1827 में यहाँ अंग्रेज़ी उलूम की तालीम दी जाने लगी। ये कोशिश भी हुई कि उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत की तालीम पर जोर दिया जाए। ये सब कुछ कॉलेज के यूरोपियन प्रिंसिपलों की ज़ेर निगरानी हो रहा था। 1829 में एतमादुद्दौला ने 1,70,000 का अतिया इस कॉलेज को दिया ताकि उलूम की तरक्की हो। दो शख्सियत जो हैं उनका नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। उनमें एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान थे और दूसरे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो देवबंद स्कूल ऑफ सुन्नी थियोलॉजियंस जो कि देवबंद के अंदर है और जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक रास्ता दिखाता है, उसके फाउंडर मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं के पढ़े हुए थे। और अजीब व गरीब बात यह है कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक ने दुनियावी तालीम की तरफ अपना नाम जो है उसके शोहरत की और दूसरे ने दीनी तालीम की तरफ अपना रुख इख्तियार किया। मौलाना ममलूक अली बड़े अपने ज़माने के बहुत ज़हीन और एक ही वक्त में दोनों डिसिप्लिन के माहिर थे, लेकिन जितने अंग्रेज़ प्रिंसिपल आए उन सब ने उनकी बहुत इज्जत की, किलक्रिस्ट हों या और कोई हों, और एतमादुद्दौला फंड के नाम से इस मदरसे को कायम करते हुए 1.5 लाख रुपया उस ज़माने का जो था वो फिक्स किया गया कि इससे जो है यहाँ के तलबा की मदद की जाएगी। अगर वो मुस्लिम तलबा लिख देते तो बात नहीं बनती। उन्होंने सिर्फ तालिब इल्म लिखा है, आज भी वो पत्थर है, और तो इससे एक सेकुलर कॉन्सेप्ट को तकबीयत मिलती है। एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली कॉलेज में एक फारसी उस्ताद की जगह खाली थी। गालिब भी उसके लिए कैंडिडेट थे। वो घर से फीनस पे सवार हुए और कॉलेज आ गए। यहाँ फारसी उस्ताद के इंतखाब के लिए गालिब के साथ मोमिन और सहबाई भी आए थे और सहबाई का यहाँ इंतखाब हुआ था। मास्टर रामचंद्र ने गदर से पहले जब वो यहाँ के स्टूडेंट भी थे और तालिब इल्म भी थे, उन्होंने यहाँ रिसाला निकाला था साइंस का। इस मदरसे के बारे में बड़ी मशहूर चीज़ें जो हैं वो हमारी हिस्ट्री से हमें मिलती हैं। 1857 के अंदर इस मदरसे की जो लाइब्रेरी थी, जो कि बहुत ही फेमस लाइब्रेरी थी, बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी थी और किस्म किस्म की किताबें थी, सिर्फ उर्दू और पर्शियन की नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ी की थी और रोमन किताबें थी, लातिनी किताबें थी, उनको पहले तो 1857 के अंदर जो सिपाही थे उन्होंने घुस के इसको तबाह किया। यहाँ पे बाहर की तरफ जो दो दरख्त हैं वो बड़े तारीख़ी दरख्त हैं क्योंकि इन दरख्तों पे 1857 में अंग्रेज़ों ने लाशें थी वो टांग दी। रफ्ता रफ्ता गदर तक आते आते मदरसा कॉलेज में मर्ज हो गया और चूँकि यहाँ के तलबा और टीचर जो थे वो गदर की सरगर्मियों में मसरूफ़ थे और उनको मुलजिम करार दिया गया था, उनमें से बाज़ उस्तादों और तलबा को तोप से बांध कर उड़ा दिया गया था, तो उसके बाद फिर ये समझा गया कि ये कॉलेज बागियों का कॉलेज है, इसलिए इस कॉलेज को ख़त्म कर दिया जाए। और इस तरह से इस कॉलेज को ख़त्म करके यहाँ के स्टाफ और सारे रिकॉर्ड को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मर्ज कर दिया गया। मदरसा गाज़ीउद्दीन के बाद फिर 1922-23 में
जो अंग्रेज़ों ने मदरसे को मॉडर्नाइज करके जदीद तालीम के लिए किया था, तो उसका नाम फिर एंग्लो अरबिक कॉलेज रखा गया। और आज भी वो बिल्डिंग जो मदरसा गाजीउद्दीन की है, उसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है जिसमें एंग्लो अरबिक कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। 1947 के अंदर जो लोग एंग्लो अरबिक स्कूल को देखते थे वो पाकिस्तान चले गए, और लियाकत अली ख़ान जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ख़त लिखा था वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को और उनसे कहा था कि अब हम क्योंकि पाकिस्तान चले गए हैं, इसलिए इंपीरियल बैंक के अंदर इसका अकाउंट है, हम ये चाहते हैं कि आप उस अकाउंट को प्लस यहाँ की पूरी ज़मीन की देखभाल करें। इस एंग्लो अरबिक स्कूल को एक ज़माने में दिल्ली कॉलेज भी कहा जाता था, और दिल्ली कॉलेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत सारे पैसे दिए थे, और उनका कहना था कि इसका नाम जो है एंग्लो अरबिक अरबिक लफ्ज़ को हटा के दिल्ली कॉलेज किया जाए। तो यही बिल्डिंग को एंग्लो अरबिक से ख़त्म करके दिल्ली कॉलेज का नाम दिया गया, मदरसा गाजीउद्दीन एंग्लो अरबिक कॉलेज, और उसके बाद फिर गदर के बाद दिल्ली कॉलेज आया। 1857 में कॉलेज पर एक आफत आई थी, और फिर 1947 में ये फिर तबाह हुआ। लेकिन तकसीम हिंद के बाद मिर्ज़ा महमूद बेग, हरिशंकर साहब और मंजूर हुसैन मूसी साहब ने इस कॉलेज को जिंदा करने और इसे चलाने के लिए जिद्दोजहद की। मिर्ज़ा महमूद बेग ने 47 के बाद दिल्ली कॉलेज के नाम से यह कायम किया, जिसके पास कोई फंड नहीं था, जिसका कोई ट्रस्ट नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, प्रोफेसर मुजीब, प्रोफेसर आबिद हुसैन, इन सब ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। 47 के बाद जो लूटे पीटे महाजिर आए, बेग साहब ने अपनी याददाश्त में लिखा है एक जगह कि बहुत बड़ा एक सिंधियों का काफिला आया जिसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ थे, और बेग साहब ने सबको दाखिला दे दिया। तो जिस कॉलेज में 5-7 टीचर और 10-20-50 स्टूडेंट थे 47 के बाद की वीरान दिल्ली में, जाकिर हुसैन साहब हमारे चेयरमैन थे दिल्ली कॉलेज के ज़माने में, तो उनका इंतकाल हुआ और दिल्ली कॉलेज जो है वो ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा था। तो इंदिरा गांधी ने ये, और इसमें मुनीस रजा साहब शामिल थे, इसमें ये अख़लाक़ुर्रहमान क़िदवाई साहब जो साबिक गवर्नर रहे हैं वो शामिल थे, इन सब लोगों ने इस इदारे को बचाने के लिए 1974 में दिल्ली कॉलेज ट्रस्ट को टेक ओवर किया, और जाकिर हुसैन ट्रस्ट का क़याम अमल में आया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस कॉलेज का एक और करेक्टर और एक और ख़ूबी ये भी है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की, कि यहाँ पर एक ऐसा काम होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में नहीं होता। गरीब तलबा की मदद के लिए यहाँ के टीचर्स ने एक फ़ंड बना रखा है जो उनकी तनख्वाह में से हर महीने कटता है, और उस पैसे से हम गरीब तलबा की मदद करते हैं। दिल्ली कॉलेज अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कॉलेजों की तरह ही है। अब इस कॉलेज में सूरत यह है कि साइंस की बहुत बड़ी फैकल्टी है, यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ाया जाता है, इसी के साथ साथ बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के हर लैंग्वेजेस के और तमाम सोशल साइंस के डिपार्टमेंट हैं। और हम यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा अक्सर टॉपर होते हैं या मेरिट में आते हैं। इस कॉलेज में फ़ारसी तकरीबन 300 साल से पढ़ाई जा रही है। जब इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी मदरसा गाजीउद्दीन के तौर पर 1710 के अंदर, उस वक्त से ही फ़ारसी और अरबी इस कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, और आज भी इस कॉलेज में फ़ारसी पढ़ने वालों बच्चों की तलबे की तादाद अच्छी खासी है, क्योंकि फ़ारसी एक बहुत अहम ज़बान है, इस हमारे कल्चर की ज़बान है, और तकरीबन पिछले 800 सालों से जो मुग़ल दौर के अंदर कोर्ट की ज़बान रही है, और तमाम जितनी भी तारीखें लिखी गई हैं वो फ़ारसी ज़बान में थी, और अभी भी फ़ारसी ज़बान में जो है ट्रांसलेट तर्जुमा होती है। जो हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब तक वो फ़ारसी ज़बान नहीं सीखेंगे सही हिस्ट्री नहीं बता सकते हैं मेडिवल पीरियड की। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत गनी है, किताबें इस फारसी की बहुत किताबें हैं, इसमें अरबी की बहुत किताबें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर, जो कलमी नुस्खे, ख़त्ती नुस्खे जिसे हम कहते हैं।
असनाद यहाँ रखी हुई हैं जिसे अब हम आर्काइव्स कहते हैं। ये दिल्ली कॉलेज की नई इमारत के अंदर लाइब्रेरी ही में मौजूद है। यहाँ कॉलेज से मुतालिक जितनी असनाद हैं, कागजात हैं और मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स हैं, वो सब यहाँ महफूज किए गए हैं। इस कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत पुरानी पुरानी किताबें मौजूद हैं जो और दूसरे कॉलेज से बच्चे आते हैं, वो हमारी किताबें मुताला करते हैं, देखते हैं, रेफरेंस बुक हैं इसमें। सादिया हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ। यहाँ आज इसलिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल मुझे नहीं मिला, मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में वो किताब यहाँ देखी थी। पर्शियन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि सारा का सारा अदब इसके अंदर सिमट के आ गया। इस कॉलेज से हमारा एक मैगज़ीन निकलता है, हर साल निकलता है मैगज़ीन, को फिक्र नो है और इससे पहले और निकलते थे मैगज़ीन। हमारे इस कॉलेज में वॉल सिटी से ज़्यादातर बच्चे आते हैं, मुस्लिम बच्चे ज़्यादा होते हैं उसमें। इसमें हम ज़बान पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, मॉडर्न पर्शियन पढ़ाते हैं, क्लासिकल पर्शियन पढ़ाते हैं। बच्चे जो फारसी पढ़ते हैं वो अच्छी सर्विस लगती है उनकी। आर्काइव्स में बच्चे जाते हैं, म्यूज़ियम के अंदर, इसके अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ बच्चे उनका मुताला करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ कॉलेज की लाइब्रेरी में, जिसका नाम है मिर्ज़ा महमूद बेग लाइब्रेरी, एक सेक्शन कंप्यूटर साइंस का भी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज की तरह बहुत ज़्यादा मुजहस है। लड़के आते हैं और कंप्यूटर साइंस में मुकम्मल तालीम हासिल करते हैं, तरबियत पाते हैं। हमारी लाइब्रेरी में काफ़ी तादाद में किताबें हैं, तकरीबन 1,60,000 किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इतने लैंग्वेजेस नहीं हैं जितने ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। हमारे कॉलेज में सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, दिल्ली के क्या हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बाहर मुल्कों के भी बच्चे आते हैं और यहाँ से तालीम हासिल करके जाते हैं। जो भी फॉरेनर्स हैं, गैर मुल्की जो हमारे तालिब इल्म हैं, वो जब लाइब्रेरी में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि वही लाइब्रेरी है जहाँ से हमने तालीम हासिल किया था। हमारे यहाँ एक आर्काइव्स भी है डिपार्टमेंट। जब से ये कॉलेज बना मदरसा काजीउद्दीन के ज़माने से लेकर के और आज तक जितनी भी वाक़यात और जितनी भी हमारे कॉलेज के उतार चढ़ाव हैं, इन सब के बारे में हमारी आर्काइव्स में और नई किताबें जो तमाम मज़मून के हैं हमारे पास, उनकी आती रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है और मैथमेटिक्स है। इसके अलावा हमारे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, ये भी बहुत ज़्यादा, इसकी भी किताबें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। कुर्सी पर आज मैं बैठा हुआ हूँ, इस पर इसकी एक तवील तारीख है। प्रोफेसर इबादत बरेलवी, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी, डॉक्टर जावेद वशिष्ठ और उसके बाद डॉक्टर तनवीद अहमद अलवी, फिर सैयद ज़मीर हसन और आज मैं हूँ। मेरे साथ मेरे शोबे में 8 टीचर और हैं और हमारे यहाँ उर्दू की तालीम का गुज़िश्ता 300 बरस से सिलसिला जारी है। उर्दू ज़बान के जितने भी उसलूब हैं वो उनमें से बेशतर यहीं से निकले हैं। हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद और ज़काउल्ला तो यहीं के तालिब इल्म थे। हाली ने यहीं पढ़कर यहीं पर पढ़ाया। कॉलेज के सलमान गनी हाशमी हॉल में
Dr. Zakir Hussain Memorial Lecture is also a tribute to an institution that has, for three centuries from its origins in the Madrasa Ghaziuddin and the Delhi College, fulfilled a commitment to the students entering its premises. The college has seen years of prominence followed by long periods of routine perseverance. Whether it was the darkness imposed by the defeat of 1857 and ensuing administrative neglect, or the terrors of the partition in 1947, the fortunes of the college and of the country were inextricably linked. For this reason, each time the institution revived itself, its resurgence symbolized an optimism that reflected, in some measure, the resolve of the people. This perspective provided the motivation for instituting the Zakir Hussain Memorial Lecture in the late 1970s. इस तरह से हमारे कॉलेज ने फुटबॉल में, क्रिकेट में बड़े लोगों को पैदा किया और दिल्ली कॉलेज का नाम दिल्ली की फुटबॉल में और हिंदुस्तान की फुटबॉल में बड़ा अहम है। अजीज कुरैशी ने इंटरनेशनल सतह पर फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया। हमारे यहाँ का एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखे जाते हैं। ये कॉलेज का बड़ा मकबूल कमरा है, इसे बॉयज़ कॉमन रूम कहते हैं। यहाँ लड़के आते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो कैरम पर होती है जो एक इंडोर गेम है। इसी तरह से हमारे यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम है और लड़कियों की अलग एक सोसाइटी है जो कल्चरल प्रोग्राम करती है, ड्रामा करती है। फ्लावर शो में हम सैकड़ों की तादाद में इनामात लेके आते हैं हर साल। रिकॉर्ड है, कभी 90 इनामात लाते हैं, कभी 100, 120 इनामात लाते हैं। जदीद हिंदुस्तान की तारीख में हमारे कॉलेज एक जगमगाता हुआ सितारा है, एक चमकता हुआ एक चिराग है जो बहुत सारे अंधेरों में रोशनी करता है। दिल्ली कॉलेज को इसकी नई इमारत में देखा, लेकिन ये कॉलेज जो पिछले 320 सालों से लगातार खिदमत अंजाम दे रहा है, अब अजमेरी गेट पर इसकी पुरानी इमारत में एंग्लो अरबिक कॉलेज को कायम करने की तजवीज़ है। ये किस्सा फिर कभी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेती हूँ, अगली किस्त में फिर आपसे मुलाकात करूँगी। खुदा हाफिज़।